प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा, कल करे सो आज का आज करे सो, अब क्षण में पड़े होगी बहुरी करे कब। तो जो महान पुरुष होते हैं, जो करना होता है उसको उसी समय कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज करना है जिसे, करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो, कुछ कर दिखाते हैं वही। कहने का मतलब है कि जो आज करना है अभी कर लो, और जब सोचोगे कल्पनाएं करोगे तो कुछ कर दिखा सकते हो। अगर सोचोगे नहीं तो करोगे क्या? तो आप जो सोचोगे वही बन जाओगे। तो अच्छी बात है, सोचो, सेवक बनना सीखो, सेवा की भावना से कला कौशल सीखो और कामयाब इंसान बनो। तो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया ही तैयार है, धन दौलत वैभव जो चाहिए सब मिलेगा, लेकिन दोगे तभी मिलेगा ना। तो दोगे क्या? सेवा। सेवा के लिए कोई भी कला सीख सकते हो। वैज्ञानिक बनो, डॉक्टर बनो, लेखक बनो, कवि बनो, मेरी तरह विवेकानंद और बुद्ध की छवि वाला फकीर योगी वेंद्र योगी बनो। सेवा करोगे तो नेवा मिलेगा। मानते जो भी हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, उनके दिल में जो रहता है, क्योंकि सत्य पर चलते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आते, किसी की बातों को कभी मानते ही नहीं। लेकिन अगर कोई भेड़ी बकरी की तरह मेमिया रहा है तो उसका भी इज्जत से सुन लेते हैं। जो मदद करते हैं अपनी जगत में आप ही, और अपनी मदद खुद करते हैं, वो बेसहारे बेचारे बैसाखी पर चढ़ने वाले पुरुष नहीं होते। भूल कर वे दूसरों का मुख कभी तकते नहीं, और कभी भी वो भिखारी की तरह देते दाता के धीरे दाता नहीं करते। वो यशस्वी प्रावलंबी स्वावलंबी अद्भुत शक्तिशाली भुजबल होते हैं। वो जो चाहते हैं तपस्या से प्राप्त कर लेते हैं, न रुकते न थकते न मुड़के देखते हैं, और कितने भी बड़े लोग हों उनके सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। अरे क्या होगा, कुछ नहीं मिला फिर भी चल जाएगा। लेकिन ये ज्ञान आना मुश्किल है, जो आपको मिलना चाहिए और मुझे तो है। कौन ऐसा काम है वो कर जिसे सकते नहीं? कोई भी ऐसा काम नहीं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आपकी सोच में ऐसा होनी चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं, यू कैन डू इट इफ़ यू बिलीव, यू कैन नॉट डू इट इफ़ यू डू नॉट बिलीव योर सेल्फ। तो अगर आप समझते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो गाय बैल भैंस बकरी हूँ, मैके गोरे भर रहे हूँ, आप कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए आप ऐसा मत सोचिए, आप मनुष्य हैं। मनुष्य के कोख में जितना भी पैदा लिया है वो सब महान मस्तिष्क की शक्ति से परिपूर्ण है, पर्याप्त है। उसका प्रयोग करना चाहिए। कल्पना करो, गोल सेट करो, और लोगों का सहयोग लेते हुए उद्यमी परिश्रमी बनो, तो तुम्हारे मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगे। जो कभी अपने समय को यूँ बिताते नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा धन दौलत तुम्हारा समय है। काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, बकवास नहीं करते, उन दूसरों का समय खाते हैं, अपना समय गंवाते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते नहीं, यत्न करने से कभी जो जू चुराते हैं नहीं। आजकल मत करो, अब का अभी कर डालो भाई, और यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो पा नहीं सकते, वो जो चाहेंगे मिल जाएगा। लेकिन भैया एक चीज़ याद रख लो मेरे दोस्तों, हम सभी अलग अलग तरह के लोग हैं। जैसे मैं एक मोटिवेशनल डायरेक्टर हूँ बाय बर्थ, और कोई दूसरे तरह का खिलाड़ी होगा, कोई कुछ होगा। तो आपकी जो अद्भुत क्षमता है वो अलग अलग है, इसीलिए आप किस लिए पैदा लिए हो उसको खोजो और उसमें बन जाओ। बात हुआ कौन सी है जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। अब देखो भाई, ये जो अंतिम पद है उसमें वो दिखाते हैं कि वो व्यक्ति बिल्कुल निर्भीक होता है। डरपोक आदमी, कायर आदमी, मजबूर आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो भगत सिंह फांसी के फंदे पर क्यों चढ़ते, देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी अंग्रेज़ों के छक्के क्यों छुड़ाते। हमारे सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके क्यों अंग्रेज़ों को खदेड़ देना चाहते थे, क्योंकि वो साहसी थे, पराक्रमी थे। वो पहाड़ों से नहीं डरते, जंगलों से नहीं डरते, पानी से नहीं डरते, अग्नि से नहीं डरते, कभी भयभीत होते ही नहीं। तो इन सुंदर पंक्तियों में इसको मेरा दोस्त हरिओद ने कहा है। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, ओ घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, गरजती जल राशि की उठती ही ऊंची लहर, आग की भैदानी फैली दिशाओं में लपट, ये कपार शक्ति कभी जिनके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। प्यारे दोस्तों,
ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी जो आपको ये पढ़ के सुना रहा था, तो थोड़ा मुखातिर हो जाइए, ये व्यक्ति डरता नहीं, ये दबंग है, ये प्रेसिडेंट ऑफ रशिया पुतिन है, पूरे दुनिया को दहला सकता है। अरे यार, मरना है एक दिन, मौत से क्यों डरता है? कुकर्मों से डरो, कायरतापूर्ण कार्यों से डरो, एक महापुरुष बनो। ये सब जो गुण बताए वो सही है, लेकिन सबसे बड़ा जो गुण व्यक्ति का होता है वो होता है प्यार करो। जब खुद से प्यार करोगे ना, तो अपने आप को अद्भुत शक्तिशाली समझोगे और प्यार का ऐसा प्रवाह फैला दोगे कि पूरी ब्रह्मांड में प्यार हो जाएगा, शांति आ जाएगा, विश्व शांति आ जाएगा। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ये दुनिया की सारे चीज यहीं रह जाएंगे, जाएगा तो तुम्हारे साथ केवल तुम्हारी नेकी, किए हुए कर्म। इसीलिए हे कर्मवीर, कर्म योग में विश्वास करो, ज्ञान योग में विश्वास करो, पाखंडता से दूर हो जाओ। ये दुनिया भटके हुए लोगों से है, देखो मार काट फसाद नफरत की आग जल रही है चारों तरफ। यह ज्ञान, कोई कुछ बोल के चला गया हजारों वर्ष पहले, उसको मार रहे, मारो काटो लूटो हत्याएं करो, पशु की तरह पाशविकता में पूर्ण होके खुद जियो, सबका सर्वनाश कर दो। अरे इतने तेवरे सर्वशक्तिमान पुतिन और जेलेंस्की जैसे, बाइडेन जैसे, ये लोग कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, ये देखो क्या एक कामयाब है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ, मैं ही हूँ विवेकानंद, मैं ही हूँ बुद्ध, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दुनिया से प्यार करता हूँ, सारी आत्माओं का मैं सम्मान करता हूँ, आत्म सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम्। पृथ्वी मेरा परिवार है, पुतिन मेरा परिवार का सदस्य है, जेलेंस्की भी मेरा परिवार का सदस्य है, बाइडेन भी है, और नेटो के जितने भी हेड्स ऑफ द स्टेट्स सब हमारे परिवार के हैं, लेकिन मेरी तरह कोई है ही नहीं। लड़ो लड़ो लड़ो, मारो 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 कर रहा है, देखो विध्वंसक हथियारों से सर्वनाश कर रहा है। इसीलिए कर्मवीर बनो, ज्ञानवीर बनो, प्रेमवीर बनो, करुणा में बनो। ओम शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्व, अब क्या क्या सिखाऊँ, बहुत लंबा हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, धन्यवाद।